आज भी पहुँचे हैं, कल भी पहुँचेंगे, परसों भी पहुँचेंगे, यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। अतुल प्रसाद सर से हाथ जोड़ करके विनती है कि महोदय आपने बीपीएससी टीआरई का विज्ञापन निकाला तो आपने कहा था ना कि जो एसटीईटी उत्तीर्ण रहेगा वही फॉर्म भरेगा, तो बिना एसटीईटी का फॉर्म कैसे भर दिया? तो एसटीईटी का प्रमाण पत्र वैध तभी होगा जब उसका बीटेक एमसी और बीएड की डिग्री 2019 के पहले होगा। श्री अतुल प्रसाद सर से आप मसीहा हैं हमारे, लेकिन हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अपनी फरियाद सुनाने आए हैं आपसे। और ये फरियाद लेकर के आए हैं कि जितने भी बिना एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एसटीईटी का नाम तक नहीं सुना, जिन्होंने एसटीईटी कभी दिया नहीं, जो एसटीईटी में अनुतीर्ण है वो भी बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरा है और वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भी रिजल्ट घोषित हो जाए। तम नो एसटीईटी नो बीपीएससी टीआरई, नो एसटीईटी नो बीपीएससी टीआरई, विदाउट एसटीईटी नो वन कैन सबमिट अ फॉर्म ऑफ अ बीपीएससी टीआरई। दिस इज डिक्लेरेशन बाय द बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग that how this is possible that without the STET certificate, the certificate had been verified at the district headquarters. This is my problem, this is our problem. Eligible है, साथ में state pass हो। सर हमने center पे ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने मिला और बोला कि state क्या होता है, complete होगा साथ में STET, बाकी सबको बाहर किया जाए, हमें अभी result नहीं चाहिए सर, हमें अभी अच्छे से verification कर ले ताकि maximum से maximum जो अच्छे candidate हैं, जो eligible candidate हैं उनका selection हो। ऐसे भी लोग हैं जो appearing थे अब form भर दिए। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए मेरी मौजूदगी अभी बीपीएससी कार्यालय के पास है जहां पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच गए। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ आरोप है कि जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसमें कई फर्जी अभ्यर्थी शामिल है, कई सारे गंभीर आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। ऐसे में लगातार अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातें रख रहे हैं, जिसके बाद अभ्यर्थी फिर से आज पहुंचे जुड़ेंगे अभ्यर्थियों से। शुरुआत करेंगे अनिल से, शुरुआत करेंगे अनिल, लगातार आप लोग पहुंच रहे हैं, आज भी पहुंचे, कल भी पहुंचे थे, क्या मांग है आखिर? आज भी पहुंचे हैं, कल भी पहुंचेंगे, परसों भी पहुंचेंगे, यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। हमारा विचार बस ये कहीं है, अतुल प्रसाद सर से हाथ जोड़ करके विनती है कि महोदय आपने बीपीएससी टीआरई का विज्ञापन निकाला तो आपने कहा था ना कि जो एसटीईटी उत्तीर्ण रहेगा वही फॉर्म भरेगा, तो बिना एसटीईटी का फॉर्म कैसे भर दिया? फॉर्म भर दिया तो परीक्षा कैसे दे दिया? परीक्षा दे दिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुहर कैसे लग गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपने ये भी कहा था कि वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए एसटीईटी का, तो एसटीईटी का प्रमाण पत्र वैध तभी होगा जब उसका बीटेक एमसी और बीएड की डिग्री 2019 के पहले होगा, 2019 के बाद वाला, सितंबर 2019 के बाद वाला डिग्री अवैध होगा। आप 22-23 में जो अपीयरिंग है, अभी 24 में फाइनल होगा, उसको भी मुहर लगा दिया जा रहा है। तो हाथ जोड़ करके विनती है श्री अतुल प्रसाद सर से, आप मसीहा हैं हमारे, लेकिन हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अपनी फरियाद सुनाने आए हैं आपसे। और ये फरियाद लेकर के आए हैं कि जितने भी बिना एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एसटीईटी का नाम तक नहीं सुना, जिन्होंने एसटीईटी कभी दिया नहीं, जो एसटीईटी में अनुतीर्ण हैं वो भी बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरा है और वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भी रिजल्ट घोषित हो जाए, तो गलत बात है, गलत बात है। तो विज्ञापन का अवहेलना है, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसकी अवहेलना है। जिन्होंने जिनके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र नहीं है, जो सितंबर 2019 के पहले अपनी एकेडमिक शैक्षणिक योग्यता पूरा नहीं किया है, अगर उन्होंने बीपीएससी का फॉर्म भर दिया है टीआरई का, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, 420 का मुकदमा होना चाहिए और उनके ऊपर मुहर लगा दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम नो एसटीईटी नो बीपीएससी टीआरई, नो एसटीईटी नो बीपीएससी टीआरई, विदाउट एसटीईटी नो वन कैन सबमिट अ फॉर्म ऑफ अ बीपीएससी टीआरई। This is declaration by the BPSCA chairman Sri Atul Prasad sir, and that's why we are demanding that how this is possible that without the STET certificate, the certificate had been verified at the district headquarters. This is my problem. This is our problem. Atul Prasad ji se mulaqat hui hai? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। हम लोग मिलेंगे और जब तक नहीं मिलेंगे हमारा मामला हल नहीं करेंगे, हम लोग यही खड़े रहेंगे। कहा क्या जा रहा है मुलाकात? नहीं मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मिलते हैं सर, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे जब तक हमारा मामला हल करिए और सीधे नोटिस निकालिए कि हम बाहर करेंगे, विदाउट एसटीईटी को कान पकड़ के बाहर करेंगे, तब हम चले जाएंगे। क्या मांग है आप? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि जो डीवी है वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि डीवी जो है
उसको एस्टेट 19 की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा। एस्टेट 19 की क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले जो बिहार के निवासी है उनको वहाँ पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है, जो कि बिहार से बाहर के राज्य वाले भी यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना दिखा रहे हैं। दूसरा डिमांड ये है, डिमांड क्या है, वो एस्टेट 19 का ये रूल है कि सितंबर 2019 के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी वैलिड डिग्री है, एमसीए हो, बीटेक, सीएस हो, जो भी डिग्री है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बाद में लोगों ने अपियरिंग कैंडिडेट ने वहाँ पे एग्जाम दिया और बाद में चार साल, क्योंकि लंबा समय लग गया तो वो लोग बीच में घुस गए हैं। तीसरा क्या है कि एस्टेट सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने बीच में एग्जाम दिया है और एस्टेट बिना विदाउट एस्टेट सर्टिफिकेट के ही उनका सारा वेरिफिकेशन हो गया। तो हमारा यही तीन पॉइंट है कि एस्टेट 19 का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए डीवी के प्रोसेस को कंप्लीट किया। काफी गड़बड़िया हो रही है। हाँ, हम लोग काफी गड़बड़ी है, हम लोग बस अतुल सर से गुहार लगाने आए हैं क्योंकि हम लोग का हक छीनता हुआ दिखता जा रहा है। कौन हक छीन रहा है? ये हक छीनने वाले हैं जो फेक कैंडिडेट है, सबसे ज़्यादा तो फेक कैंडिडेट इसमें कंप्यूटर साइंस में, जो 2019 के पहले जो सर्टिफिकेट 2019 का पहले जो अपियरिंग वाले थे और फिर भी परीक्षा दे दिए और फिर भी उनका एसटीटी आ गया, तो वो लोग फेक है। दूसरी फेक कैंडिडेट वो हैं जो अब बीपीएससी में भाग लिए हैं, जो एसटीटी 19 का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, इसके बावजूद भी बीपीएससी में तैयारी में उन्होंने भाग लिया। और तीसरी बात है कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल पर गए तो वहाँ देख रहे कि मात्र 2 से 3 मिनट तक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, मतलब इसके नाम पर कुछ बस एक फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा था। तो इसी तरह बस ये गुहार है कि जितना भी हो फाइनल मेरिट फिल्टरेशन के बाद ही फाइनल मेरिट दे, ताकि हम लोग का हक बना रहे। हम लोग 4 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। काफी फर्जीवाड़ा हो रहा है बहाली में। सर देखिए, फर्जीवाड़ा हो रहा है और सही से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन डेट वाइज और कौन कब पास किया है इसका कोई प्रमाणिकता से जाँच नहीं हो रही है। और जैसे बस वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी कुछ अपलोड किए हो बस दिखा दो और उसी के आधार पर वेरीफाई हो जा रहा है। और एक प्रॉब्लम सर और है कि जिस समय डेट नहीं बढ़ रहा था, फॉर्म सबमिट हो रहा था, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से कि तकनीकी फॉर्म में जो है कि मैट्रिक के मार्कशीट के जगह किसी का आधार लग गया है, किसी का कुछ दिखा रहा है। तो हम लोगों का अतुल सर हम लोगों के मसीहा हैं और सर जो है कि हम लोग कहना चाह रहे हैं अपनी बात कि बहुत दिनों के बाद हम लोग को एक मौका मिला है सर बिहार में कि टीचर बनने के लिए, और आयोग के द्वारा मिला है। ऐसी साफ़ सुथरी सर वैकेंसी के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और अतुल सर से हम लोगों का नम्र और विनती पूर्वक हम लोग नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को एक मौका दे दिया जाए कि जो कुछ त्रुटि हो गई है उसको हम लोग सुधार लें और सही से हम लोग ऑथेंटिक हैं, हम लोगों का पूरा कागजात है उसको सही से जाँच किया जाए, अगर दोषी कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। क्या बोल रहे सर? अतुल सर, आपने जिस प्रकार से बढ़िया से एग्ज़ाम लिया, धन्यवाद के पात्र है पूरा बीपीएससी। सर हमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस चैनल के माध्यम से आप ट्वीट कर दें कि कंप्यूटर साइंस में जो भी विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीसीए नहीं सर, जिसके पास बीसीए हो साथ में सितंबर 19 के बाद पहले तक उसका एमसीए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो बीसीए के साथ, वो सारे लोग एलिजिबल हैं, साथ में स्टेट पास हो। सर हमने सेंटर पर ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने मिला और बोला कि स्टेट क्या होता है, सिर्फ बीसीए किए और फॉर्म अप्लाई करके कर दिए। कैसे सर, प्लीज़ आपसे आखिरी गुहार है सर कि आप ट्वीट करके एक बार हम लोग को संतोषजनक बना दें कि आप लोगों का कंप्यूटर साइंस में हम जो भी बीसीए और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन है वो लोग को का कंप्लीट होगा साथ में एसेट, बाकी सबको बाहर किया जाए। हमें अभी रिजल्ट नहीं चाहिए सर, हमें अभी अच्छे से वेरिफिकेशन कर लें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अच्छे कैंडिडेट हैं जो एजुकेट कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो। थैंक यू। चलिए, क्या मांग? हाँ, हमारा मांग ये है सर कि तीन चीज़ों पर सबसे बड़ी बात करनी है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो हो रहा है अच्छे से उसका वेरिफिकेशन किया जाए। दूसरी चीज़ है जो विज्ञापन में ये दिया गया था कि अपेयरिंग जो होगा वो फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसे भी लोग हैं जो अपेयरिंग थे अब फॉर्म भर दिए हैं। तीसरी चीज़ है कि जो एस्टेट नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एडिट करके और उसके बाद फॉर्म भर दिए थे, उनका एग्जामिनेशन भी हो गया और अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। और चौथी चीज़ है कि हम लोग जब स्कैन कर रहे थे, जब फॉर्म फिलअप हो रहा है थे, उस समय ये हुआ कि आधार कार्ड के जगह 10th का मार्कशीट लग गया है, एमकॉम या पीजी के जगह ग्रेजुएशन वाला लग गया है, और ये टेक्निकल कहाँ से प्रॉब्लम है ये नहीं पता चल रहा है, तो इसको भी अच्छे से जांच करा जाए। ठीक है, क्या कहिएगा चेयरमैन साहब? सर मैं आदरणीय अतुल सर से यही कहना चाहूँगा कि जो आप एडवर्टाइजमेंट 2019 में विज्ञापन जारी किया तो उसमें क्या किया कहा गया था, जो बीटेक हो कंप्यूटर साइंस वो एलिजिबल है, जो बीसीए किया वो साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो एलिजिबल है, और साथ ही
2019 सितंबर से पहले होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि एस्टेट मस्ट भी जो है पास होना जरूरी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीन जो क्राइटेरिया है तीनों फुलफिल है। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट है जो ये तीनों चीज का फुलफिल नहीं क्राइटेरिया कर रहा है उसको बाहर किया गया। सर यही कहना चाहते हैं अतुल सर को एग्जाम कराने के लिए बहुत बड़ी धन्यवाद और बहुत ही सराहनीय कदम है कि वो अच्छे तरीके से अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएं। लेकिन सर कहना है कि जो कंप्यूटर साइंस मोतिहारी से हैं और जो भी बिना एसटीईटी के जो कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो भी एग्जाम में अपना बैठ गए हैं, अपना एग्जाम में जो है कंडक्ट कर एग्जाम जो है बैठ करके और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं जो गलत तरीका से फर्जी है उनको निकाला जाए। और ये जो एसटीईटी 2019 के पहले जो भी जो क्वालिफिकेशन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे उन्हीं को रखा जाए और एसटीईटी के बाद जो भी जो डॉक्यूमेंट अपना क्लियर किए हुए हैं उनको जो है बाहर किया जाए। मैं यही सर से निवेदन करता हूं, इसके लिए मैं धन्यवाद। चलिए देखिए तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, ऐसे में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से बहाली हो रही है इसमें कई फर्जी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं बाहर किया जाए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं आपने सुना है, लगातार बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं, अतुल प्रसाद से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिलने का मौका इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तमाम अभ्यर्थियों की विसंगतियां आपने सुनी, क्या कुछ दिक्कतें हो रही है, क्या कुछ परेशानियां हो रही है और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी आशीष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।